हेलो दोस्तों, आज है 23 मार्च और दिन है गुरुवार का। मैं हूँ अभी डीएसबी कॉलेज के गेट के पास और अभी एग्जाम था मेरा मास कॉम का, तो वो देखे आ रहा हूँ। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं दोस्तों झील, बहुत ही सुंदर ये झील लग रही है। आसपास लंगूर वैसे काफ़ी है तो झील लग रही है और बहुत सुंदर ये झील लग रही है। मौसम भी देख सकते हैं, गहरे भी धूप पड़ रही है, बहुत ही बढ़िया ये मौसम हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको किस तरह का नैनीताल लग रहा है और यहाँ पर से कैसा व्यू आ रहा है। कॉलेज वाली रोड और यहाँ पर कुछ बंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये बंदर जो है लाल वाले, ये बड़े खतरनाक से होते हैं। देखिए व्यू अगर आपको दिखाऊँ तो बहुत ही सुंदर ये व्यू है। देखिए बहुत ही सुंदर ये लेक दिखाई दे रही है आज, वाकई में बड़े दिनों के बाद इतना खूबसूरत व्यू है। देखिए ये जो जगह है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ वहाँ से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब कुछ दिखाई देता है। मैं दिखाता हूँ अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो। ये देखिए, ये सामने आप देख रहे हैं मंदिर, ये वाला अगर एकदम पूरा जूम करूँ तो ये है मंदिर, उसी के बगल में वाइट वाला है गुरुद्वारा, और ये है देखिए मस्जिद, और ये ऑरेंज वाला जो है आर्य समाज मंदिर है, और ये बोट हाउस क्लब दिख रहा है इसके पीछे। देखिए ये जो रेड वाला है ये है चर्च। तो ये सारे धार्मिक स्थल जो है नैनीताल में एक साथ हैं, इसीलिए नैनीताल में जो है सभी धर्म के लोग जो हैं बड़े मिलजुल के रहते हैं। नैनीताल का जो है बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है अभी तक, तो अभी तक जो है अच्छी स्थितियाँ हैं, अभी तक हर कोई मिलजुल के रहता है यहाँ पर। आगे का तो कुछ कह नहीं सकते जिस तरह की देश की स्थितियाँ चल रही हैं। और सामने देखिए आप पेड़ वगैरह जो देख रहे हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं, हरे भरे। ये सामने लाइब्रेरी दिखाई दे रही है, देखिए तो इस जगह से बहुत सारे व्यू हैं। तो पेड़ देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। तो यहाँ पर बंदरों का थोड़ा मेरे पीछे आतंक हो गया है, ये देखिए बंदर आ रहे हैं भागते हुए, इधर से इनका बॉस आ गया, अल्फा मेल है देखिए ये, तो यही सब इनको लेके जा रहा है। तो ये इस तरह का कुछ हो रहा है, और एक और मेल आ गया इस तरफ से, तो थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो बंदर जो है बिल्कुल सामने मेरे आ गए हैं यहाँ पर देखिए, तो इनसे बचते बचाते अब मैं निकलता हूँ नीचे की तरफ। तो ये मैं आ गया हूँ नीचे भोटिया मार्केट के पीछे वाली मार्केट, इसे बोलते हैं न्यू पालिका मार्केट। तो अनमोल भाई की दुकान ये रही पीछे, तो अनमोल भाई अभी है नहीं दुकान में, थोड़ी देर में आने वाले हैं, उनका इंतजार कर रहा हूँ और फिर उनसे बात कराता हूँ आपकी। तो ये आ गए अनमोल अपनी दुकान में। तो अनमोल कैसे, पहले ये बताइए यार आप। बढ़िया है, थोड़ा थके हुए हैं। थके हुए तो हो गई, दो दिन के बाद आप लौटे हो दिल्ली से, तीसरा दिन हो गया है। और दिल्ली में कैसा मौसम है? दिल्ली में मौसम काफी अच्छा बना है, रास्ते में बारिश थी थोड़ी हल्की फुल्की। अच्छा, बारिश भी मिली रास्ते में। अच्छा, अभी यहाँ के कैसा लग रहा है आपको? यहाँ के थोड़ा रिलैक्स है, क्योंकि यहाँ जो भीड़ भड़ाका चीं 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 चल रहा है, यहाँ थोड़ा सुकून रहता है थोड़ा। ये तो है, चलिए तो अच्छा लगा आपसे आज मिलके बड़े दिनों। आपका पेपर भी था, पेपर कैसा रहा? पेपर बढ़िया रहा। बढ़िया रहा, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कब है? नेक्स्ट मंडे को, अभी टाइम। चलिए ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों अनमोल भाई की दुकान से आगे ठंडी सड़क वाले रास्ते में, तो यहाँ पर भी कुछ दुकानें हैं, और यहाँ पर एक दुकान है दोस्तों बड़ी खास, जहाँ पर बहुत बढ़िया आपको सामान मिलेगा। हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, आप? तो ये भाई साहब की आप दुकान में आए हैं, और यहाँ पर आपको बड़ा अच्छा अनोखा आइटम मिलेगा, थोड़ा बताइए, जरा जानकारी दीजिए प्लीज। स्टेशनरी है। अच्छा, स्टेशनरी बॉटल्स है। अच्छा, बॉटल्स बड़ी अनोखी सी दिखाई दे रही है, बड़ी अलग अलग किस्म की बॉटल्स के साथ इसमें शिपर ऊपर भी है। अच्छा, बच्चों को अट्रैक्ट करता है ये चीजें ना। अच्छा, लुक वाइज आप कुछ भी इसमें मैंगो शेक है। अच्छा, शेक है ये वो लेके। अच्छा, कुछ भी आप हाथ में पकड़िए तो थोड़ा। अरे वाह, तो क्या दाम है इसके, थोड़ा बताइए? ये 250 का। 250 का, अरे वाह। ये है, इसमें कॉफी मग आएगा। अच्छा, कॉफी मग भी है आपके पास, इसकी क्या कीमत है? 300। अरे वाह, ये भी बड़ा सुंदर लग रहा है, 6 घंटे तक इसमें वार्म रहता है। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया कॉफी मग है। बाकी स्टाइलिश बॉटल वॉटल आजकल जैसे बच्चों में क्रेज है, BTS ब्लैक एंड पिंक। अच्छा, हाँ हाँ, तो ये बॉटल है। अच्छा, ये BTS ऊपर BTS का, ठीक ठीक, BTS का सेट आएगा ये। अच्छा, ये पूरा BTS का, बच्चों में आजकल बहुत बहुत ज्यादा क्रेज है। हाँ, मेरी भांजी भी बोलती है ना BTS के। आ रहे हैं, चलिए तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए अनमोल मेरे साथ आ गए हैं यहाँ पर। तो अनमोल कहाँ को लेके चल रहे हो भाई, ठंडी सड़क में हमें थोड़ा आगे चलते भी वापस आएंगे। अच्छा, तो अनमोल लेक का नज़ारा लेते हैं ना हम अभी, लेक का मैंने ऊपर से दिखाया था, और यहाँ से बड़ा अच्छा लग रहा है देखिए ठंडी सड़क में यहाँ पर। ये सड़क जो है अनमोल, इसकी खासियत क्या है बताओ मुझे पहले। यहाँ गर्मी हो सर्दी हो, टेम्परेचर कहते डाउन ही रहता है, थोड़ा ठंडा हवा चलती है, काफी अच्छा लगता है। हाँ, तो अनमोल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा अनमोल ने जी। तो करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क है, इसमें गाड़ियां नहीं चलती, और ये सड़क जो है बिल्कुल हमेशा साल भर जो है ठंडी रहती है, भले गर्मियों का मौसम हो या जाड़ों का मौसम हो। तो झील का जो दिखा रहे थे, देखिए कैसे समय बदला है अभी, और धूप चली गई है, अभी हल्की हल्की कहीं कहीं में धूप आ रही है। तो अभी जो चमक रहा था ऊपर से लेक, अभी नहीं चमक रही है, तो देख सकते हैं इस तरह का है। तो अभी हम वहाँ तो जा नहीं रहे, तो हम चलते हैं अब वापस भुटिया मार्केट की तरफ, और नहीं हम लोग चलते हैं इस तरफ, और यहाँ से नैना देवी मंदिर आपको दिखाते हैं। बोल क्या कहेंगे आप? सही कहा आपने, कहते हैं नैना देवी मंदिर दिखाते, काफी लोग बोलते रहते हैं। हाँ हाँ, तो चले आगे, हमको चलते हैं। अगर आए हो थोड़ा बताओ यार। बैंड हाउस में, ये बैंड हाउस कह रहा हूँ, कहते हैं यहाँ पे वुड स्टैंड है। हाँ हाँ, जो मंदिर के पास में ही है।
अच्छा यहाँ पर चलते हैं। तो मंदिर के पास वाले बोर्ड स्टैंड में हम आ गए हैं, देखिए यहाँ से मंदिर का नज़ारा। और ये देखिए दोस्तों यहाँ से मंदिर का नज़ारा और भी खूबसूरत लगता है और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा इस तरफ से, वहाँ पर लेके चलता हूँ। देखिए दोस्तों धूप आ गई है और कितना सुंदर मंदिर लग रहा है, प्राचीन आतिक की चोटी पीछे दिखाई दे रही है और बहुत ही अच्छा है। झील का जो जलस्तर है अभी फिलहाल कुछ दिनों की जो बारिश हुई थी उससे बड़ा ही है, तो मंदिर में बहुत सारे श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। नवरात्रि का मौका है, कुछ कहना चाहेंगे अनमोल आप? जी कहता ये बोलना चाहूँगा कि आज वाटर डे, अच्छा जल दिवस है यानी कि अच्छा हाँ है। तो ये हमारे लिए संदेश है कि हम किस तरीके से पानी को आने वाले समय के लिए कहते हैं किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं। अच्छा जो नेचुरल वाटर है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको गंदा कर रहे हैं, तो ये है कि हम उसको बचाएं थोड़ा। अच्छा जिस तरीके से कहते हैं गर्मियों में कहते पानी की भी कमी हो जाती है, काफ़ी कमी हो जाती है, कितना पानी आपको पता होगा हमारे लिए कितना जरूरी पानी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो अनमोल कह रहे हैं कि जल ही जीवन है और जल का बचाव करना बहुत जरूरी है। चलिए बहुत अच्छी आपने जानकारी दी अनमोल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया। अनमोल हम आ गए हैं अब थोड़ा भाभी की दुकान में चलते हैं, उनसे भी मिल के आते हैं। अच्छा चलिए भाभी की दुकान में चलते हैं हम लोग। आ गए दोस्तों भोटिया मार्केट में, और भोटिया मार्केट जाने से पहले मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये जो दुकान है चलती फिरती, देखिए पेस्ट्री की दुकान है और ये नैनीताल का बड़ा ही पुराना ट्रेडिशन रहा है और ये ऐसे यहाँ पर पेस्ट्री बेच रहे हैं बरसों से और नैनीताल में इस तरह का कल्चर रहा है बहुत पुराना। तो देखिए ये चाट पार्क है सामने और इस तरफ देख सकते हैं भोटिया मार्केट में दुकानें अभी खुल रही हैं, क्योंकि अभी जो समय है दोस्तों 12:30 बज रहा है। तो चलिए देखते हैं किस किस से मुलाकात यहाँ पर होती है। अनमोल तो यहाँ पहुँच चुके हैं, ये है बोबो भाई। तो बोबो भाई नमस्कार, एकदम बढ़िया, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आज थोड़ा खुलने में समय लेट हुआ। हाँ वही ना, आज नगर पालिका में जुलूस था। अच्छा अच्छा, किराया बढ़ने के विरोध में। अरे तो इसके कारण कल से रोज ही रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 अप्रैल तक। अच्छा तो रोज जुलूस रहेगा। अच्छा जुलूस में रहेंगे ज्यादा, चलिए बढ़िया है, वेरी गुड। तो उसके लिए दुकान अभी लेट खुल रही है। अच्छा अच्छा, अभी काम करते हो आप देख रहे हैं। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, तो चलिए लगे रहिए काम में। और इधर भाभी भी मुझे मिल गई, हेलो भाभी कैसे हैं आप? हेलो। अच्छा भाभी तो गाने सुन रहे थे आप? पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, आपको एग्जाम कैसा हुआ? अरे मैंने कहा खतरनाक वाला सवाल तो नहीं पूछ रहे हो। एग्जाम आपके चैनल भी एक्चुअली पूछ रही थी आपको कैसा लग रहा है। अच्छा वही मैंने कहा किस तरह का सवाल पूछने वाले हैं। अनमोल आपने क्या सोचा कैसा सवाल पूछने वाले हैं? आपको क्या लगा क्या सवाल पूछे? थोड़ा अलग लगा, हट के लगा था लेकिन। अच्छा 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 अच्छा, तो आप बिजी भी आ गए भाभी आपके साथ में बड़े दिनों के बाद, और बिजी लाइव में आपसे कह रहे थे कि कुछ गिफ्ट लेकर आऊंगा। लाइए गिफ्ट, ये तो विश करने भी नहीं आए मुझे। नहीं यार गिफ्ट भी नहीं लाए। अरे यार ये क्या बात है, चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए भाभी अब मौसम बढ़िया हो गया, कैसे ही लग रहा होगा? उल्टा मजाक उड़ा के आईफोन आ गया आपका। अच्छा अच्छा चलिए, चलिए तो कैसा लग रहा है अभी धूप आ गई है आपको? बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं किस तरह का नैनीताल हो रहा है, बढ़िया सी चमचमाती हुई धूप आ रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं ये देखिए सामने की तरफ जो है दोस्तों पार्किंग है, और पार्किंग जो है इसका किराया 118 रुपये है, और अगर आप लोग बाइक लगाते हैं तो उसका किराया है 25 रुपये। मस्जिद के बिल्कुल सामने वाली है, तो मस्जिद आपने देखी वहाँ सामने से देखी थी अभी ऊपर, और ये है गुरुद्वारा और इसके पीछे मंदिर, सभी हम लोग होकर आ ही गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया नैनीताल में मौसम हो रहा है आज, तो आप लोग घूम सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए वीडियो एंड करने के लिए चलते हैं सामने की तरफ। तो दोस्तों वीडियो को एंड करने के लिए सभी साथियों के साथ आ चुका हूँ, तो हम वीडियो को एंड करने की तरह के लिए जैसा रोज ही बोलते ही हैं, एक बार फिर से अगर आप लोग बोलना चाहें। हाँ फिर से बोलेंगे हम, तो हर बार बोलने के लिए हमने ये मुहिम उठाई है। कूड़ा जो इनके हाथ में है डस्टबिन में ही डालें, तो ये डस्टबिन में डालेंगे, आज देखिए पूर्व इनके हाथ में डस्टबिन में डालें, इधर उधर ना फेंके, अपना शहर समझ कर यहाँ सफाई का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें। रिक्वेस्ट है हमारी आप लोगों से, हम्बल रिक्वेस्ट है, सफाई का विशेष ध्यान। बिल्कुल बिल्कुल, बिजी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं सफाई के लिए जो भी है सफाई के लिए है। देखिए कहीं भी आप नैनीताल में जाएं या कहीं भी हिल स्टेशन में जाएं या अपने शहर में, आप कूड़ा जो है कूड़ेदान में ही डालें, आप इधर उधर ना फेंके। भाई इतना कर ले तो आप भारत के अच्छे नागरिक कहलाएंगे, है ना। चलिए इस वीडियो को एंड करें दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।